बहुत स्वागत है री क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे थे। आज के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, वो डी ब्रॉगली प्रिंसिपल से रिलेटेड है। डी ब्रॉगली प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन है। डी ब्रॉगली प्रिंसिपल क्या था? ये था कि कोई पार्टिकल छोटा हो या बड़ा हो, उसमें ड्यूअल नेचर शो करता है। इसका मतलब वो पार्टिकल के करेक्टर भी दिखाता है और वेव के भी। इंग्लिश में क्या था डेफिनेशन, क्या थी इसकी? इंग्लिश में डेफिनेशन थी, एवरी पार्टिकल आइदर इट इज माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक शोज ड्यूअल नेचर, दैट इज नेचर ऑफ पार्टिकल एज वेल एज नेचर ऑफ वेव। कोई पार्टिकल छोटा हो या बड़ा हो, डबल करेक्टर दिखाता है। कौन कौन से डबल? पार्टिकल के भी और वेव के भी। अब क्वेश्चन देखें क्या है डी ब्रॉगली से रिलेटेड। क्वेश्चन है कैलकुलेट वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 2.05 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी 2.05 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2.05 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड है, उस इलेक्ट्रॉन की हमें क्या निकालनी है? वेवलेंथ। तो वेलोसिटी की मैंने लैम्डा निकालना है, ठीक है, डी ब्रॉगली इक्वेशन यूज करनी है। तो देखो बेटा हमें निकालना क्या है, लैम्डा गिवन क्या है, वेलोसिटी कितनी 2.05 10 की पावर 7 यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूला यूज करो डी ब्रॉगली इक्वेशन से, फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या फॉर्मूला है, लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी। लैम्डा निकालना है आपको, एच प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 10 की पावर -34 है ना जूल सेकेंड, ये इसकी यूनिट है। इलेक्ट्रॉन का मास तो मालूम ही है ना आप लोगों को, 9.1 10 की पावर -31, वेलोसिटी 2.05 10 की पावर 7। अब यहां से लैम्डा निकालने में कोई दिक्कत लग नहीं रही है, आसान काम है। पहले पावर को देख लो, 31 ऊपर गई तो ये बन गई प्लस की 31 है ना, और ये 7 ऊपर गई माइनस की, तो माइनस की 34 और ये माइनस की 7, तो माइनस की हो गई 41 और ये 31 हो गई प्लस की। दोबारा समझो, माइनस की 34 ये 7 ऊपर गई तो ये माइनस की 7, तो माइनस की 41 और ये ऊपर जाके प्लस की 31, तो बचा 10 की पावर कितना, 10 की पावर 10 बचा, वो भी किसका, माइनस का। तो 6.626 10 की पावर -10 अपॉन 9.1 2.05। इसको आप सॉल्व कर लें, कोई इसमें खास नहीं है, 9.1 में 2.05 को मल्टीप्लाई कर लो और इसको सॉल्व कर लो, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कर लीजिए सॉल्व इसे। कितना 6.626 नीचे कितना है 9.1 2.05, पहले 9.1 और किसका 2.05 का मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आया वो यहां पर नीचे लिखकर इसमें डिवाइड कर लेना, फिर इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.35, बोलो कितना, 0.3548 10 की पावर -10। कितना आएगा 0.3548 10 की पावर -10, यूनिट क्या आएगी, मीटर, ठीक। एक बच्चा कहेगा 0.35 की जगह अगर हम 0.35 की जगह हम सर 3.548 कर लें, अगर आप ऐसा करोगे तो एक पावर इधर ले गए हो, तो ये -10 की जगह -11 हो जाएगी, मीटर आंसर रहेगा ये भी। तो आप पे दो ऑप्शन है, या तो करो 0.3548 10 की पावर -10 या कर लो 3.548 10 की पावर -11। तो कोई भी आंसर एग्जाम में लिखाओ, या तो ये वाला या ये वाला, दोनों ही आंसर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आप सारा लिख चुके होंगे, समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या था, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की दे रखी थी और उससे करस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी थी, मैंने फॉर्मूला लगाया लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी, उससे सॉल्व कर दिया बस, ठीक। अब बात आई इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो देखिए क्वेश्चन क्या है,
इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी फाइल से, डी ब्रॉगली इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, क्वेश्चन में गिवन है 9.1 × 10⁻³⁻³ kg एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज 3×10⁻²⁵ J। अब कह रहा आपसे कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ यानी लेमडा निकालना है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट लेमडा यानी कि वेवलेंथ। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास गिवन है और काइनेटिक एनर्जी गिवन है और आपको उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। दोबारा से सुने, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³⁻ kg। ये मास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3×10⁻²⁵ J। निकालना क्या है, लेमडा। तो क्वेश्चन को पहले थोड़ा सिंपल वे में लिख लो, क्या गिवन है, मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³⁹ और क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है कितनी, बोलो 3×10⁻²⁵ J। अब आपको निकालना क्या है, लेमडा। फॉर्मूला आपको मालूम है, इससे फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2mke। एच का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, एम का मतलब मास, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी और लेमडा निकालना है। लगा दो, बेहद सरल हो गया। लेमडा की जगह बोलो, लेमडा निकालना है, एच की जगह 6.626 × 10⁻³⁴। नीचे बोलो, अंडर रूट 2, एम की जगह 9.1 × 10⁻³⁹, काइनेटिक एनर्जी की जगह 3×10⁻²⁵, वो भी किसका, माइनस का। अब इसे सॉल्व करना है। एक बच्चा कहेगा सर क्वेश्चन तो बड़ा सरल है और आपने फॉर्मूला लगाया, ये भी बड़ा सरल काम लगा मुझे, लेकिन ये सॉल्व कैसे करेंगे, अंडर रूट भी है पावर भी है, इतना सारा झंझट मुझसे नहीं हो पाएगा। तो बेटा मैं इसकी सॉल्विंग करके दिखा रहा हूं जिससे आप घबराए नहीं कि कोई कठिन नहीं है। ये आपने नोट कर लिया उम्मीद है सारा, क्या गिवन है उसका मास और काइनेटिक एनर्जी, निकालने क्या है, वेवलेंथ। देखिए सॉल्विंग कर रहे हैं, जगह क्रिएट कर रहे हैं पहले। चलिए भाई क्या है बोलो, लैम्डा इक्वल टू 6.626 × 10⁻³ कितनी है, −34। नीचे अंडर रूट में चलो, कितना लिखा था, 2×9.1। अब देखो इंटू 3, ये यहां पे ले लो, ये पावर देखो −31 − 25, तो माइनस की हो गई ये 56, माइनस की 56 पावर हो गई, ये सही है, −31 − 25। −56 का अंडर रूट कितना आएगा, 10⁻²⁸, ऊपर जाके हो जाएंगी प्लस की 28 और ये कितनी है 34, तो 34 और 28 का मतलब हो गया 6 पावर, वो भी किसकी बची, माइनस की। यहां तक सही, माइनस की कितनी पावर बची, 6, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और ये कितना है 6.626 और नीचे कितना है बोलो, 2×9.1×3, 2×3 = 6, 6 का 9.1 में मल्टीप्लाई करो, देखो 2×3 = 6, 6×1 = 6, 6×9 = 54, तो ये हो गया अंडर रूट में। अब लग रहा होगा सर हाँ तो साफ साफ निकल आया, लगभग लग रहा है काम बनना है ना, तो 6.626 × 10⁻⁶, 54 का 54.6 का अंडर रूट लेना है, किसका, 54.6 का अंडर रूट लेना है, 54.6 का अंडर रूट लीजिए आप ले पाएंगे, मुझे कोई ज्यादा कठिन नहीं लग रहा, ये लगभग 7.38 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7.38 या 7.4 मान लो, ठीक है। अब इसका डिवाइड दे लो, डिवाइड दोगे तो ये आंसर आएगा 0.89625 या 0.89625 आएगा ये, और ये 10⁻⁶ कितना है, −6, एक डिजिट इधर ले जाओ, 8.9625
10 की पावर माइनस 6 की जगह माइनस 7 यूनिट मीटर। तो ये वेवलेंथ निकल आई, ठीक, ये वेवलेंथ निकाल दिया मैंने, तो ये आंसर आ गया इसका। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आई, पावर वगैरह तो बहुत सरल करी। 54.6 का अंडर रूट, आपको अंडर रूट लेना तो सिखाया जाता है, 8th-9th में हम सीख लेते हैं। 54.6 का अंडर रूट ले लेना, ये आएगा। अब ये डिवाइड देने में मेरे ख्याल से कोई कठिन नहीं है, तीसरी चौथी का बच्चा भी डिवाइड दे लेगा, ये आंसर आएगा। एक पावर इधर शिफ्ट करी, ये आंसर आ गया। तो बेटा इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की दे रखी थी, मास दे रखा था, मैंने उसके करस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल के दिखाई। ये सामने से हट गया हूं, उम्मीद है आपने नोट कर लिया है। वीडियो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत आए तो बताना, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके।